नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी में वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग मेरा नाम है संदीप जानी कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे तो दोस्तों अभी जो है एग्जाम जो आपका फर्स्ट शिफ्ट हुआ है थर्ट अक्टूबर का उसके बारे में फटाफट डिस्कस कर डिस्कस करने वाले हैं और इस डिस्कशन का जो मेन एम है दोस्तों वो मेन एम यही है जो अभी नेक्स्ट शिफ्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक आइडिया देना कि इस एग्जाम के अंदर जो है क्या क्या क्वेश्चंस आए थे तो इस एनालिसिस के अंदर ज़्यादा डिटेल्ड डिस्कशन अपने नहीं करेंगे फटाफट से कम टाइम के अंदर मैक्सिमम जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में हम देखने जा रहे हैं तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला जो सवाल है वो आपका क्वेश्चन जो है वो बताया गया इरीगेशन इंटेंसिटी से रिलेटेड कल भी हमने बात की थी जो टेन डेफिनेशन आपको बताई थी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन

आज जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया साइज के अकॉर्डिंग आज जो क्वेश्चन पूछा गया कि साइज ऑफ द एग्रीगेट्स का वर्केबिलिटी पे क्या फर्क होता है तो जितना बड़ा साइज होगा उतना ही उसकी वर्केबिलिटी ज्यादा होगी उसी वेट के अगर स्मॉल साइज एग्रीगेट हैं तो उनकी वर्केबिलिटी कम रहेगी तो साइज ऑफ एग्रीगेट का पूछा था नेक्स्ट सेट के अंदर हो सकता है आपसे ग्रेडिंग का एडमिक्सचर का शेप ऑफ द एग्रीगेट टेक्स्चर ऑफ द एग्रीगेट इनका आपसे पूछा जाए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था दोस्तों मिनिमम इसेंट्रिसिटी के ऊपर आपको जो रिकमेंडेशन है आरसीसी का डायरेक्टली वही पूछा गया आपसे सो दैट शुड बी एल बाई फाइव हंड्रेड प्लस डी बाई थर्टी या फिर ट्वेंटी एम mm, एम इनसे ज्यादा होना चाहिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया पिच से रिलेटेड मैक्सिमम पिच पूछा गया तो हो सकता है नेक्स्ट जो आपकी शिफ्ट हो उसके अंदर मिनिमम पिच आपसे पूछे तो मिनिमम पिच जो है वो रिवेट की कितनी है 2.5 पॉइंट फाइव टाइम्स द नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट ये कितना होता है नॉमिनल डाया ऑफ द रिवेट होगा कंप्रेशन के अंदर मैक्सिमम पिच 12 टाइम्स थिकनेस और 200 हंड्रेड एम थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट हम कंसिडर करते हैं यहां पे टेंशन के अंदर अगर आपसे पूछे तो सिक्सटीन टी या फिर टू हंड्रेड एम आपके पास होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट उसके बाद मिनिमम एंड एंड एज डिस्टेंस जो है ये भी अभी तक नहीं पूछा गया तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपसे पूछ सकता है मिनिमम एज और एंड डिस्टेंस जो है वो कितना हो सकता है मशीन कट एलिमेंट के लिए 1.5 पॉइंट कंसिडर करते हैं हैंड रिवन के लिए 1.7 और जनरली डिजाइन पर्पज़ के लिए हम ट्वाइस द ग्रॉस डाया हम कंसिडर करते हैं मिनिमम एज एंड एंड डिस्टेंस सिलेंडरनेस रेशियो टेंशन मेंबर जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था तो आपके पास यहाँ पे छह केसेज हैं तीन चार तो ऑलरेडी अलग अलग शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं तो एक बार आप इस टेबल को जरूर रिवाइज कर लीजिए फटाफट अगर आपके पास टाइम है तो तो देखिए दोस्तों अगर आप बात करें कंप्रेसिव लोड है जहां पे इंपोज और डेड लोड्स दोनों लग रहे हैं तो 180 एटी मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशो हम कंसिडर करते हैं टेंशन मेंबर जिसके अंदर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस होता है टेंशन मेंबर इन विच रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस अकर्स ड्यू टू लोड्स अदर देन विंड्स और सिस्मिक फोर्स तो यहाँ भी आपका आंसर जो है वो 180 होगा शायद यही वो क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया है बाकी एग्जैक्ट जो टर्म्स हैं जो वर्ड्स हैं जो भी एग्जाम दे के आए हैं उनके अकॉर्डिंग आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं या जो शाम तक अगर डिटेल क्वेश्चन आ जाएंगे तब हम बता देंगे टेंशन मेंबर से रिलेटेड और रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस ये टर्म लिखी हुई थी तो आपका जो है ये मोस्ट प्रोबेबली यही आपसे पूछा गया होगा नेक्स्ट फिक्स्ड एंड मोमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आया था तीन बार आ चुका है ये तो आपको बताया था कि सारे स्टैंडर्ड केसेस हैं इनको आप याद जरूर कर लें आगे बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट टैक्ोमेट्री से रिलेटेड सवाल टैक्मेट्री सेम न्यूमेरिकल हो सकता है आपके ऊपर जो है एडिटिव कांस्टेंट मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं पूछते ही पूछते हैं आपसे तो इनको भी आपको अच्छे से याद होगा हो ही होगा अभी और नहीं है तो फटाफट इसको रिवाइज कर लीजिए नेक्स्ट कंसिस्टेंसी लिमिट ऑफ सॉइल इनसे रिलेटेड स्विंकेज लिमिट है इसकी डेफिनेशन क्या है आपके पास ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो कल भी पूछे गए थे आज भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो पूछें आपसे कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है एक्टिविटी क्या होता है एक बार इनको आप जरूर गो थ्रू करेंगे बिफोर अपेयरिंग इन द एग्जाम नेक्स्ट आगे बात करें तो आपसे यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी पूछा गया एक शिफ्ट के अंदर डेफिनेटली आपसे डायनेमिक विस्कोसिटी भी पूछ लेगा तो इसका तो इसका मीटर स्क्वायर पर सेकंड है सीजीएस के अंदर पूछता है आपसे तो आपके पास आ जाता है स्टोक्स या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड और एक मीटर स्क्वायर पर सेकंड किसके बराबर होता है टेन रेज टू द पावर फोर स्टोक्स के बराबर होता है मेम्ब्रेन क्योरिंग के ऊपर क्वेश्चन था मेम्ब्रेन क्योरिंग जो है हम मेम्ब्रेन या किसी शीट के थ्रू जो कि हो सकती है आपकी पॉलीथीन शीट हो सकती है कोई और ऐसी शीट हो सकती है जो कि इवेपोरेशन को अलाउ ना करे वाटर जो है उसको अंदर मेंटेन रहने दे क्योरिंग जो है उसके अंदर लॉसेस जो है वो ना हो यहाँ पे तो मेम्ब्रेन क्योरिंग हम करवाते हैं उसके लिए नेक्स्ट वैल्यूएशन से रिलेटेड दोस्तों कल के शिफ्ट्स के अंदर भी क्वेश्चन पूछे थे सेल्वेज वैल्यू बुक वैल्यू से रिलेटेड आज भी वैसा सही कुछ क्वेश्चन जो है इन टर्म्स को यूज़ करवा के आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था मॉड्यूलर ब्रिक का साइज बिल्कुल मॉड्यूलर ब्रिक का साइज पूछा गया था कि कितना होता है सिंपल सा क्वेश्चन ब्रिक के अंदर रेड कलर किसकी वजह से आता है आयरन ऑक्साइड की वजह से आता है ये क्वेश्चन भी पूछा गया था ड्यूटी डेल्टा न्यूमेरिकल बिल्कुल ड्यूटी डेल्टा न्यूमेरिकल था एक जो था नंबर ऑफ बैग्स कैलकुलेट करने से लिए एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं था ऐसा सही क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट दे रखा है <coughs> और आपको वॉल्यूम दे रखा है उसके अंदर आपको कैलकुलेट करना है कितने बैग्स ऑफ सीमेंट जो है वो चाहिए तो ऐसे से क्वेश्चन इसके सिमिलर क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर रखे हैं तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपको इकोनॉमिकल सेक्शन से रिलेटेड मैंने बोला जितने शिफ्ट हैं उनके अंदर हर शिफ्ट के अंदर एक एक क्वेश्चन इससे पक्का पूछा ही गया है कल जो है हमने बात कर ली थी दोस्तों कि आपका ट्राइ जो रेक्टेंगुलर चैनल है वो कवर अप हो चुका है उसके अलावा ट्रेपेजॉइडल है रेक्टेंगुलर से रिलेटेड फर्स्ट जो ए स्टेटमेंट है वो आपके एक शिफ्ट में पूछ ली बी स्टेटमेंट नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ ली ये वाली बच रही थी ट्रेपेजॉइडल के अंदर ये आपसे पूछ ली कि हाइड्रोलिक रेडियस कितना होता है अब आपके जो है सर्कुलर वाला है वो भी आपसे जो एक शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया था मैक्सिमम डिस्चार्ज वाली कंडीशन वेलोसिटी वाला जो है वो अभी तक बचा हुआ है तो ऐसे जो अपने ऑब्वियसली क्वेश्चन होते हैं उनको मिस नहीं करना है मेटा सेंटर से रिलेटेड बायोन्सी और जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इनसे रिलेटेड कल भी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था वही आपका इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो है आज आपसे पूछा गया था स्टेबिलिटी कंडीशन को एक बार आप जरूर याद कर लें कौन ऊपर होता है बी अब जी होता है किस केस में फुली सबमर्ज बॉडी के केस में पार्शली सबमर्ज के केस में एम जी बी जो है, वो सीक्वेंस रहता है स्टेबल के लिए जी एम बी अनस्टेबल के लिए हो जाता है के 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 लिए G और B, एक ही point पे पे करते हैं। फिर उसके बाद question था ऊपर जो है है, वो non के कारण होता है, जहां पे हम angles का इस्तेमाल करते हैं वहां पे हम शियर जो लैग है उसको रिड्यूस कर सकते हैं efficiency को बढ़ा सकते हैं length of connection को रिड्यूस कर सकते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था नेक्स्ट उसके बाद सुटेबल रोलर फॉर क्ले इसके लिए पूछा गया तो शी फुट रोलर जो है वो क्ले के लिए सुटेबल होता है कलर इन ब्रिक इज ड्यू टू जो रेड कलर आता है ऑक्साइड्स ऑफ आयरन इसकी वजह से रेड कलर जो है ब्रिक के अंदर आता है रोलर यूज फॉर कोहेजन लेस की अगर हम बात करें तो कोहेजन लेस के लिए जो रोलर आपका है स्मूथ व्हील रोलर आप यूज कर सकते हो सैंड के लिए आप यूज कर सकते हो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ओपन चैनल फ्लो इसके अंदर ट्राइंगुलर और सर्कुलर जो है इनकी कंडीशन आप जरूर पढ़ लीजिए नेक्स्ट शिफ्ट में जाने से पहले ड्यूटी डेल्टा के ऊपर फिर से न्यूमेरिकल आया एक्विडक्ट के ऊपर फिर से न्यूमेरिकल आया एक्विडक्ट साइफन एक्विडक्ट सुपर पैसेज इनके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं और आए भी हैं तो सिंपल सा रिलेशन है ड्यूटी इंटू डेल्टा इक्वल्स टू एट पॉइंट सिक्स फोर इंटू बी ड्यूटी जो आपकी है एक्टेयर पर क्यूमैक में डेल्टा जो है वो मीटर में है वी जो है बेस पीरियड डेज के अंदर है फिर से एक्विडक्ट के ऊपर क्वेश्चन आया तो एक्विडक्ट क्या होता है ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिसके अंदर कैनाल जो है वो नेचुरल ड्रेन के ऊपर से जाती है साइफन एक्विडक्ट के अंदर सिमिलर कैनाल जो है वो ऊपर जाएगी नेचुरल ड्रेन से बस जो कैनाल का जो ट्रफ है वो डिप्रेस कर देगा नेचुरल ड्रेन को नेक्स्ट सुपर पैसेज उनका रिवर्स हो जाता है नेचुरल ड्रेन जो है वो कैनाल के ऊपर जाती है फिर आता है आपके पास साइफन साइफन के अंदर क्या होता है जो कैनाल का पानी है नेचुरल ड्रेन के नीचे बैरल्स के थ्रू या पाइप फ्लो के थ्रू जाता है प्रेशर के अंदर जाता है लेवल क्रॉसिंग में लेव, बराबर लेवल पे जाएंगे डेवलपमेंट लेंथ के ऊपर क्वेश्चन आया डेवलपमेंट लेंथ आपको कैलकुलेट करनी थी पॉइंट एट सेवन एफ वाई इंटू फाइव अपॉन फोर टाउ बी सिंपल सा क्वेश्चन अभी तक बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर क्वेश्चन जो है नहीं पूछा गया है, तो नेक्स्ट शिफ्ट में हो सकता है बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है उसकी वैल्यूज भी आपसे पूछ ले डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कॉन्क्रीट एक क्वेश्चन आया दोस्तों आपका अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट के ऊपर एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है इसके ऊपर इस क्वेश्चन जो है आपसे इससे रिलेटेड पूछा गया है आपसे आप पूछा गया था सिंपल क्वेश्चन जो आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता करना है या फिर बेंच आपको वैसे पता करना है आप आराम से पता कर सकते हैं नेक्स्ट ग्रेड कंपनसेशन के ऊपर क्वेश्चन थर्टी प्लस आर बाय आर या सेवेंटी फाइव बाई आर ये परसेंटेज जो है इनके अकॉर्डिंग आप ग्रेड कंपनसेशन कैलकुलेट कर सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम सेवेंटी फाइव बाई आर तक जाना चाहिए आपका कंपनसेटेड ग्रेड शुड नॉट बी लेस देन फोर परसेंट मिनिमम रेनफोर्समेंट की अगर हम बात करें तो बीम के अंदर वो पूछा गया आपसे मैक्सिमम रेनफोर्समेंट हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछे तो वो कितना होता है मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट शुड नॉट बी ग्रेटर देन फोर परसेंट सेम हम यूज करते हैं स्लैब के लिए नेक्स्ट अगर बात करें तो फंक्शन ऑफ बंड आपसे पूछा गया रिवर ट्रेनिंग के अंदर जो मार्जिनल बंड होते हैं वो क्या करते हैं जो आसपास का एरिया होता है उसको सबमर्जन से बचाते हैं इनका फंक्शन आपसे पूछा गया सिंकिंग फंड कल की शिफ्ट में भी क्वेश्चन था आज की शिफ्ट के अंदर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन जो है मेथड दो बार पिछली लास्ट दो कंटिन्यू शिफ्ट के अंदर इससे क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें भी इससे रिलेटेड पूछा गया है सिंपल सा न्यूमेरिकल पीएच जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है डिसइनफेक्शन के अंदर क्योंकि पीएच अगर कम होती है क्लोरीन जो है वो एच और ओ माइनस की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है एच जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है एच प्लस ओ माइनस जो है ये रिलीज़ करता है पीएच अगर कम होगी पाँच से तो क्लोरीन जो है वो रिएक्ट नहीं करता है और वो फ्री क्लोरीन की फॉर्म में ही प्रेजेंट रहता है इसीलिए जो पीएच है इसका इंपॉर्टेंस है पीएच जो है वो पाँच से सात के बीच में रहनी चाहिए क्स्ट नेक्स्ट उसके बाद मिक्स ट्रैफिक के लिए आपसे पूछा गया था सिंपल सा न्यूमेरिकल था मिक्स ट्रैफिक के ऊपर आप इसको वैल्यूज जो है आप पुट करवा के आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं इफेक्ट ऑफ पोजोलाना इन सीमेंट आपसे पूछा गया तो पोजोलानिक जो मटेरियल्स होते हैं उनकी खुद सीमेंटियस प्रॉपर्टी नहीं होती है लेकिन सीमेंट के अंदर एड होके ये क्या करते हैं उसकी सीमेंटियस प्रॉपर्टी बनाते हैं एडिंग पोजोलानाज टू एन एग्जिस्टिंग कंक्रीट मिक्स विदाउट रिमूविंग एन इक्यूवलेंट अमाउंट ऑफ सीमेंट इंक्रीजेज द पेस्ट कंटेंट एंड डिक्रीज वाटर सीमेंट रेशियो इन अदर वर्ड्स एडिंग मोर पोजोलाना टू मिक्स चेंजेज द प्रपोर्शन इनकी खुद कोई सीमेंटियस प्रॉपर्टी जो है वो एज सच नहीं होती है कैलकुलेट फाइव डे बीओडी बीओडी आपको अगर फाइव डे की कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है अल्टीमेट भी आपसे पूछ सकता है तो आपको ये रिलेशन जो है ये फॉर्मूले जो है आप पढ़ लीजिए नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे रिलेशन पूछ सकता है आपसे फाइव डे बी और जो अल्टीमेट बी है इनके बीच में क्या होता है कितना परसेंटेज होता है स्लीपर डेंसिटी के ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं स्लीपर डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया एस माइनस डब्ल्यू आपको सिंपल पुट करना था आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड राइज एंड फॉल मेथड के ऊपर छोटा सा क्वेश्चन था एग्जैक्ट क्वेश्चन दोस्त अभी तक नहीं आया है तो जो क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं पिच डिस्टेंस आपसे पूछा गया पिच डिस्टेंस अगर आपसे पूछा गया है तो एंड डिस्टेंस गेज डिस्टेंस ये भी आपसे पूछ सकता है साउंडनेस आपसे पूछा गया मैग्नीशिया की वजह से आपको कैलकुलेट करना लाइम एंड मैग्नीशिया दोनों की वजह से ऑटोक्लेव अप्रेटस आप बता सकते हैं सिर्फ अगर लाइम की वजह से होता तो आप लीच एट्लियर अप्रेटस जो है आप आंसर कर सकते थे नेक्स्ट मैग्नेटिक डेक्नेशन कल परसों की जो शिफ्ट थी परसों की शिफ्ट के अंदर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था आज के शिफ्ट के अंदर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो प्रेजेंट था रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की फाइननेस आपसे पूछी गई थ्री टू फाइव जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होती है ऑर्डिनरी वोडलैंड सीमेंट की हमें पता है टू टू फाइव जीरो होती है नेक्स्ट बात करें फ्लोराइड से रिलेटेड क्वेश्चन था फ्लोराइड कंटेंट जो है उसके एक्सेप्टेबल लिमिट परमिसिबल लिमिट ये इंपॉर्टेंट है ये आप रिमेंबर कर लीजिएगा एक्सेप्टेबल लिमिट वन मिलीग्राम पर लीटर कॉज फॉर रिजेक्शन वन मिलीग्राम पर लीटर अगर 1.5 से ज़्यादा है तो मॉटलिंग ऑफ टीथ हो जाएगा और अगर 5 से ज़्यादा है तो उस केस में बोन फ्लोरोसिस जो है वो हो जाता है नेक्स्ट कारपेट एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन था ठीक है टेन मिनट में एग्जाम है तो टेन मिनट में यही आपको बता रहे हैं फटाफट मोहर गुलाम क्राइटेरिया से रिलेटेड क्वेश्चन था टाओ इक्वल्स टू सी प्लस सिग्मा बार टेन फाइव आपको चेक करना था तो फटाफट दोस्तों जितने क्वेश्चन अभी लगभग चालीस पचास के आसपास हमने चीज़ें जो है वो डिस्कस कर ली क्वेश्चन डिस्कस कर लिए इनको डिस्कस करने का फटाफट डिस्कस करने का एक ही पॉइंट था और वो पॉइंट क्या है कि आपके जो नेक्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन हैं नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर जो जो दोस्त अभी अटेम्प्ट करने जा रहे हैं उनको एक आइडिया मिल जाए क्या क्या चीज़ें जो है वो पूछी गई हैं ताकि वो फटाफट रिवाइज कर पाए नेक्स्ट दो तीन मिनट के अंदर आपको टेलीग्राम पे मैं आपको ये पीडीएफ जो है वो भी अपलोड कर दूंगा तो आप इंस्टेंटली जो है वहां से पढ़ सकते हैं अगर आपके पास कुछ समय है तो अगर नहीं है तो ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है फटाफट आप जो है अपने एग्जामिनेशन सेंटर में आप एंट्री ले लीजिए तो आप सभी को ऑल द बेस्ट और जिनका एग्जाम हो गया है वो परेशान ना हो बहुत सारे दोस्त जो हैं वो परेशान हो रहे हैं कि सर एग्ज़ाम पता नहीं कैसा हो रहा है रीजनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया तो जो अभी दोस्त एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको भी मैं यही कहूँगा रीजनिंग को आप लास्ट में अटैम्प्ट करिएगा और अगर आपके साथ अगर आपको ऐसा लगता है एग्ज़ाम बुरा हुआ अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चनस रह गए हैं या फिर प्रॉपरली टाइम नहीं दे पाए हैं तो दोस्तों वो इसलिए क्योंकि रीजनिंग जो है इस बार थोड़ा सा टफ आया है और 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 ऐसा सभी के साथ हो रहा है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जिनका एग्जाम हो गया एकदम चिल मारो दो तीन दिन बस रिलैक्स हो जाओ अपकमिंग जो एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी में आप लग जाओ दिसंबर में आपके बहुत सारे एग्जाम हैं राजस्थान के अंदर भी एग्ज़ाम है आपका यू -पी -पी का भी एग्ज़ाम है और बहुत सारे एग्जाम जो है वो आ रहे हैं गेट का एग्जाम आ रहा है तो सभी के लिए उनके लिए प्रिपेयर करना है अब जो जो आपने एग्ज़ाम दे दिया उसको अभी के लिए आप भूल जाइए सभी का ही ऐसा हो रहा है सभी का रिस्पॉन्स ऐसा हो रहा है मतलब बहुत जो कम दोस्त हैं उनका ऐसा रिस्पॉस आ रहा है कि सर बहुत मस्त मज़ा आ गया ऐसा वाला पेपर हुआ लेकिन ज़्यादातर का यही हो रहा है कि हाँ टेक्निकल अच्छा आ गया टेक्निकल में कोई दिक्कत नहीं है रीजनिंग के अंदर सब प्रॉब्लम बता रहे हैं तो अगर आपका रीजनिंग थोड़ा सा खराब जा रहा है डोंट वरी एट ऑल ठीक है तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर शाम को डिटेल डिस्कशन करेंगे जो आज टॉपिक्स आया हमारा उनके बारे में और तब तक के लिए टेक केयर ब बाय एंड ऑल द बेस्ट ठीक है ओके ऑल द बेस्ट सभी को जो दोस्त एग्जाम अभी अटेम्प्ट करने जा रहे हैं ऑल द बेस्ट टू एवरी वन थैंक यू सो मच